सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 17 अपना जिला का पहला प्रकरण राजस्थान व हनुमानगढ़ का मानचित्र। तो चलिए करते हैं शुरू पाठ 17 अपना जिला। देखिए, हम राजस्थान राज्य में रहते हैं, यानी कि हमारे राज्य का क्या नाम है? राजस्थान। और हमारा राज्य भारत के पश्चिमी दिशा में स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल 342,289 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.68 करोड़ है, और जिसमें से 5.15 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या है। तो देखो, ये है राजस्थान का मानचित्र, है ना। इसमें हमारे सारे ज़िले आपको दिखाई दे रहे हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, झुंझुनू, सीकर, और ये जयपुर हमारे राज्य की राजधानी है, है ना। तो लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि भारत का मानचित्र देखते हैं, कि इसमें ये कहा है ना कि ये भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। तो देखो, आपको इस पहली तस्वीर में ये भारत का मानचित्र दिखाई दे रहा है, और इसमें जो ये लाल रंग का आपको दिखाई दे रहा है राज्य, वो हमारा राजस्थान है। तो ये इसके पश्चिम दिशा में है। कैसे? ये देखो, ये भारत की उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो देखो, राजस्थान कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में। फिर हमने इस राजस्थान को थोड़ा बड़ा किया और यहाँ निकाला, यहाँ देखा इसे, तो अब देखो कि ये राजस्थान का बड़ा रूप, इसका मानचित्र है, और इसमें ये आपको अलग अलग ज़िले दिखाई दे रहे हैं। और जो ये नीले रंग का दिखाई दे रहा है, ये कौन सा ज़िला है? ये हमारा ज़िला हनुमानगढ़ है। तो देखो, ये तो थी कि राजस्थान है वो भारत के पश्चिम दिशा में है। अब है क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो, जो भूमि है ये इतनी सारी, ये तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल है 342,289 वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो आप देखो कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा इधर नीचे मानचित्र में, देखो कि इन राज्यों में सबसे बड़ा राजस्थान है। अब राजस्थान में ज़िले कितने हैं? तो राजस्थान में ज़िले हैं 33। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये 33 ज़िले हैं। और जनसंख्या किसे कहते हैं, यानी राजस्थान में रहने वाले लोग, तो वो है 6.68 करोड़, यानी लगभग 7 करोड़ लोग राजस्थान में रहते हैं, और इनमें से 5.15 करोड़ लोग ग्रामीण हैं। ग्रामीण मतलब गांवों में रहते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से देखो कि राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ इनके सबके नाम दिख ही रहे हैं। इसके बाद हमारे ज़िले का क्या नाम है? तो हमारा ज़िला हनुमानगढ़ है। ये देखो, ये आपको यहाँ लाल रंग में दिखाई दे रहा है हनुमानगढ़, ये हमारा ज़िला है। आपके ज़िले की सीमा से और कौन कौन से ज़िले स्थित हैं, कौन कौन से ज़िले लगते हैं? तो देखो, सीमा होती है ये, ऐसे बाउंड्री जिसे हम कहते हैं, है ना। तो अब देखो कि हनुमानगढ़ ज़िले के साथ और कौन कौन से ज़िले लग रहे हैं। तो ये गंगानगर, बीकानेर और ये चूरू, तो 3 ज़िले हैं जो हनुमानगढ़ के साथ लगते हैं। फिर अब देखिए, हम देखेंगे हमारे हनुमानगढ़ का ज़िला, हनुमानगढ़ ज़िले का मानचित्र। तो देखो, ये हमारा ज़िला है हनुमानगढ़, ठीक है। अब आप बताओ कि हम किस नगर में रहते हैं? तो हम रहते हैं यहाँ संगरिया। ये कौन सी पंचायत समिति में आता है? तो देखो कि हनुमानगढ़ ज़िले में 7 पंचायत समिति है, और उनमें से संगरिया पंचायत समिति में ही संगरिया आता है, ठीक है। अब देखोगी, अभी हमने देख पढ़ा
कि सात पंचायत समिति है, तो कौन कौन सी है? संगरिया, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, टिब्बी, रावतसर, नोहर और भादरा। तो इस तरह से ये सात पंचायत समिति हमारे हनुमानगढ़ ज़िले में हैं। देखो, हनुमानगढ़ ज़िले की स्थापना हुई थी 12 जुलाई को। कब? 12 जुलाई 1994 में। तब ये गंगानगर से अलग होकर हनुमानगढ़ ज़िला बनाया गया था। तो इसके बाद देखो कि हमारे ज़िले का ज़िला मुख्यालय कहाँ पर है ना? तो ज़िला मुख्यालय कहाँ है? हनुमानगढ़ में ही है। ये यहाँ हनुमानगढ़ में ही है। अब इसके बाद ये है कि हमारे ज़िले में एक राज्य मार्ग है। तो देखो, राज्य मार्ग मतलब एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने के लिए, तो वो है 7A और एक है NH नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग 15। हमारे ज़िले में एक तलवाड़ा झील है ना, और एक प्रमुख नदी भी है। कौन सी? घग्गर नदी भी है। और हमारे ज़िले में मुख्यतः हिंदी भाषा बोली जाती है, और जो स्त्रियां हैं वो सलवार कमीज या साड़ी पहनती हैं, और जो पुरुष हैं वो कुर्ता पजामा या पैंट कमीज पहनते हैं। और हमारे ज़िले का सबसे बड़ा राजकीय अस्पताल यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहाँ पर है? वो हनुमानगढ़ में है। इसके अलावा देखो, हमारे ज़िले में कई जाने माने खिलाड़ी हैं, स्वतंत्रता सेनानी, कलाकार ये भी हैं। तो देखो, कलाकार में एक हैं हास्य कलाकार ख्याली सहारन, जो कॉमेडी करते हैं, आपने टीवी पर उन्हें देखा भी होगा। इसके अलावा सूरजाराम आर्य, ये स्वतंत्रता सेनानी हैं। और खिलाड़ी में हैं जगसीर मान, जो कि एक एथलेटिक्स हैं। इसके अलावा हमारे ज़िले में मुख्यतः जो फसलें हैं वो गेहूं, कपास और किन्नू भी बहुत मात्रा में पैदा होते हैं। इसके अलावा देखो कि हमारे यहाँ कॉटन की फैक्ट्री है। हमारे ज़िले का जो प्रमुख भोजन है वो दाल रोटी चावल सब्जी ये खाए जाते हैं। और मेले की अगर हम बात करें तो यहाँ गोगा मेड़ी मेला, माँ भद्रकाली का मेला, इस तरह से कई मेले भी लगते हैं, है ना? तो देखो, इसके बाद देखिए कि हमारे ज़िले के कलेक्टर कौन है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है श्रीमान जाकिर हुसैन। और हमारे विधानसभा से कौन से विधायक हैं? तो संगरिया पंचायत समिति से विधानसभा के विधायक हैं श्रीमान गुरदीप सिंह शापीनी। और हमारे जिला प्रमुख कौन हैं? तो देखो, उनका नाम श्रीमती कविता मेघवाल है। इसके अलावा देखो कि जो पंचायत समिति प्रधान हैं संगरिया के, अपने संगरिया के पंचायत समिति प्रधान हैं, उनका नाम है श्रीमती मूर्ति देवी जैन, है ना? तो अब देखो, इसके बाद हम बात करेंगे कि ये ग्राम पंचायत और पंचायत समिति क्या होती है। तो देखो, कई छोटे छोटे कस्बे या गांवों को मिला करके ग्राम पंचायत बनती है, है ना? छोटे छोटे कई गांव मिलाते हैं तब ग्राम पंचायत बनती है। और ये ग्राम पंचायत क्या करती है, यानी इनके क्या कार्य होते हैं? तो यह गांवों में पानी, बिजली, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि सुविधाओं की व्यवस्था करती है। अब इसके बाद है कि पंचायत समिति क्या होती है। तो देखो, आसपास की कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। यानी छोटे गांवों को जब हम मिलाते हैं, कई गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनती है, और ऐसे ही कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनती है। और पंचायत समिति अपने क्षेत्र के अंदर जितने भी उनके छोटे गांव आते हैं उन गांवों के विकास की योजना बनाती है। ग्राम पंचायतों को वो विशेषज्ञ उपलब्ध करवाकर उनके विकास कार्यों को संपन्न करवाती है। तो देखो, ऐसे ही
ग्राम पंचायतों को मिलाया क्या बनी? पंचायत समिति। और कई पंचायत समितियों को मिलाया तो क्या बन गया? देखो यहाँ पर कि ऐसे ये जिला बना, है ना। और ऐसे ही कई जिलों को मिलाया तो क्या बन गया? ये जैसे एक राज्य बन गया, क्योंकि इसमें ये देखो इस राज्य में सारे ये जिले। और जब ऐसे राज्यों को, कई राज्यों को मिलाते हैं तो एक देश बनता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो राज्य है राजस्थान, वो भारत के पश्चिम दिशा में है और हमारा ज़िला राजस्थान के उत्तर दिशा में है। और जो हमारी पंचायत समिति है संगरिया, वो हनुमानगढ़ ज़िले के उत्तर दिशा में है। तो इस तरह से हमने देखा हमारे ज़िले की प्रमुख कौन कौन से कार्य फसलें हैं, कौन से कारखाने हैं, उनका भोजन क्या है, उनके पोशाक क्या हैं, जाने माने व्यक्ति कौन हैं, हमारे जिला कलेक्टर कौन है, ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है और पंचायत समिति का क्या कार्य होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।